Hello students, today we'll learn 7th chapter of environmental studies, living and non-living things. Living and non-living things, ये chapter आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा class 2 में. Living and non-living things हम लोग कहते किसे हैं? तो living and non-living things होते हैं वैसे things जिनमें life होता है, जो जीवित होते हैं, जो जिंदा होते हैं, वे लिविंग थिंग्स हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कोई जान नहीं होता है, उनमें कोई लाइफ नहीं होता है, तो वैसी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और फिर से हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा है तो आपको इसे सॉल्व करना है. ये एक देखिए आपका आपसे सवाल पूछा जा रहा है. सर्कल द लिविंग थिंग्स एंड क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें से जो लिविंग है उन्हें सर्कल कर दीजिए और जो नॉन लिविंग है उन्हें क्रॉस कर दीजिए. तो आपको क्या लग रहा है, ये चाइल्ड क्या होगा? ये तो लिविंग होगा, इसमें तो जान है, इसमें लाइफ है. बट ये टेबल जो है उसमें तो कोई लाइफ नहीं होता है, कोई जान नहीं होता है, तो ये नॉन लिविंग होगा. उसी तरह प्लांट्स भी हमारी तरह जिंदा होते हैं, वे बढ़ते हैं, वे श्वास लेते हैं, ये लिविंग है. बट कार जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, वे अपने कुछ नहीं कर सकते हैं. अब हम लोग आगे आते हैं. द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स, बुक्स, कार्स, बिल्डिंग्स एंड बसेस. हमारे चारों ओर कई तरह की चीज़ें हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, और फिर माउंटेन्स, बर्ड्स, बुक्स, कार्स, बिल्डिंग्स एंड बसेस हैं. वी डिवाइड दीज थिंग्स इंटू टू मेन ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन्हें हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ चीज़ें लिविंग हैं और कुछ नॉन लिविंग हैं. तो इसमें से आप खुद भी कर सकते हैं कैटेगराइज. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स, बुक्स, कार्स, बिल्डिंग्स एंड बसेस. इसमें से कौन कौन लिविंग है और कौन कौन नॉन लिविंग है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं कैटेगराइज. आगे बढ़ते हैं. लिविंग थिंग्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स. ये लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें क्या क्या खासियत होती है, क्या लक्षण होता है. करेक्टरिस्टिक मीन्स खास लक्षण. ऑल द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ऐसी कोई भी चीज़ जिनमें कोई लाइफ होता है वो लिविंग थिंग्स कहलाता है. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. और लिविंग थिंग्स कौन कौन हुए? ह्यूमन, हम लोग तो हैं ही ह्यूमन, इंसान. साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सभी लिविंग हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या खासियत, क्या लक्षण होता है लिविंग थिंग्स का. बारी बारी से कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ये चल फिर सकते हैं. द मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शो दे आर अलाइव. लिविंग थिंग्स चल फिर सकते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जिंदा है. ह्यूमन बींग्स कैन रन, वॉक एक्सेट्रा. हम लोग भी तो चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, उन्हें मूव करने की ज़रूरत क्या है, क्यों वे इधर से उधर जाते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं? दो कारण है. पहला है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, जहाँ उन्हें भोजन मिल जाए इसके लिए वे मूव करते रहते हैं. और शेल्टर, रहने के लिए सेफ प्लेस. प्लांट्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, दे शो देयर मूवमेंट्स इन डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल, अ सनफ्लावर टर्न्स टू फेस द सन. प्लांट्स का भी मूवमेंट कभी कभी आप गौर कर सकते हैं. जैसे सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी, उसका जो फ्लावर होता है ना, वो अपना फेस सन की ओर रखना चाहता है या रखता है. तो एक डिफरेंट टाइप का ये मूवमेंट शो करता है प्लांट.
आपको पता है कि प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स मूव क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज फुलफिल्ड इन स्टैटिक स्टेज. वे अपने जगह पर खड़े खड़े ही अपने फूड का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन इट्सेल्फ, अपने से भोजन वो बना लेते हैं. हमें भोजन के लिए दौड़ना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, बट प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी खासियत होती है कि वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए उन्हें मूव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड ग्रो. जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए फूड चाहिए हर लिविंग थिंग को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, हम लोग सभी को. फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस. फूड हमें एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से हम सारा काम करते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है? या तो किसी प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, घास खाएं या कोई सीरियल्स खाएं, अनाज खाएं, या नहीं तो फिर किसी दूसरे एनिमल को भी मार के बहुत सारे एनिमल खा जाते हैं. हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, अभी हमने चर्चा की. और भोजन बनाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे सनलाइट, एयर एंड वाटर. और वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सिर्फ फूड ही की ज़रूरत नहीं होती है लिविंग थिंग्स को, फूड के साथ साथ वाटर की भी ज़रूरत होती है, और हर किसी को होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमन बींग हो. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये बढ़ते भी हैं, ग्रो भी करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट्स और एनिमल, ग्रो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, हर कोई बढ़ता है. द क्लॉथ्स यू यूज्ड टू वियर व्हेन यू वेयर अ बेबी आर टू स्मॉल फॉर यू नाउ बिकॉज यू हैव ग्रोन इन साइज. आपने बचपन में जो कपड़े पहने थे वे तो आप काफ़ी छोटे हो गए होंगे. ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप बढ़ चुके हैं, साइज आपका बड़ा हो चुका है. अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. एक छोटा बच्चा बढ़ करके बड़ा हो जाता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. एक छोटा सा सीड होता है, उसे ग्रो कर देते हैं तो बिग प्लांट हो जाता है. इसका मतलब क्या है? इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, बढ़ना. एंड अ बेबी एनिमल ग्रोज इंटू अ बिग एनिमल. और एक छोटा जानवर का बच्चा है वो भी कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पप्पीज ग्रो एंड बिकम डॉग्स. पप्पीज जो होते हैं कुछ ही दिनों में डॉग बन जाते हैं, बड़े डॉग बन जाते हैं. तो इसका मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस भी करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमन हो, ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो, ये फील करते हैं. फील करने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आवर स्किन, आवर टंग, आईज, नोज एंड ईयर्स. पढ़ा है आपने. They can sense changes around them. Living things जो होते हैं अपने आसपास जो बदलाव, जो changes हो रहे हैं, उन्हें वे महसूस कर सकते हैं. Plants can also feel changes around them, but they don't have sense organs. हमारी तरह ears, nose, eyes, skin and tongue, ये sense organ plant में तो नहीं होते हैं, बट वे भी फील कर सकते हैं, चेंजेस को फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट और मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टस्ट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों को छुएंगे तो वो मुरझा जाएंगे. देखिए, ये एक
जो पिक्चर दिखाया गया है ये मीमोसा प्लांट है, इसे टच मी नॉट है, इसे कहते हैं छुई मुई, छुई मुई। इसे जैसे ही टच करते हैं ना, ये शर्मा करके झुक जाता है, यानी ये भी फील कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीद, श्वास भी लेते हैं। देखो ये बच्चा तो लगता है योगा कर रहा है। लिविंग थिंग्स ब्रीद एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव, जब तक जिंदा रहता है लिविंग थिंग्स, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं या एनिमल्स या प्लांट्स, उन्हें श्वास लेना पड़ता है। ब्रीद, ह्यूमन बींग्स ब्रीद थ्रू देयर लंग्स, हम लोग तो लंग्स से श्वास लेते हैं, फेफड़ा। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लंग्स, गिल्स, एयर होल्स एक्सेट्रा, लेकिन सभी जानवरों में ये लंग्स नहीं होते। कुछ एनिमल्स जैसे पानी में रहने वाली मछलियाँ, वो गिल्स से श्वास लेती हैं, गलफड़ा आप देखे होंगे माउथ रीजन में, साइड से जो एक ऑपरकुलम एक ढक्कन से ढका हुआ डीप रेड कलर का गलफड़ा होता है, उसे ही गिल्स कहते हैं, उसी से श्वास लेते हैं। वाटर एनिमल्स कई हैं, फिशेस को तो आपने देखा ही होगा। एयर होल्स, बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनके बॉडी में छेद छिद्र होते हैं, होल्स, और उसी से वे श्वास लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, पत्तियों को कभी आपने गौर करके आप देखेंगे, जो लीव्स होते हैं ना उनके लोअर सरफेस पर अगर आप गौर करके देखेंगे या मोबाइल से फोटो लेके उसे जूम करके देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिन्हें हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, उसी से वे श्वास लेते हैं। तो श्वास हर किसी को लेना है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, लिविंग थिंग्स श्वास भी लेते हैं। एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना वे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने ही जैसी संतान पैदा करते हैं, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स, या तो सीधे बच्चे को जन्म दिया या अंडे दिए, अंडा डेवलप करके चाइल्ड बना, एक ही बात है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, और प्लांट्स कैसे नए प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, सीड के थ्रू, सीड से। तो हमने देखा ना कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पहला लिविंग थिंग्स कैन मूव, सेकेंड लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, थर्ड लिविंग थिंग्स ग्रो, फोर्थ लिविंग थिंग्स फील, एंड फिफ्थ लिविंग थिंग्स ब्रीथ, एंड द लास्ट वन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। इसे आप लोग नोट करेंगे अपने नोटबुक में, आप ऊपर टाइटल लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और उसके बाद आप ये छह पॉइंट्स, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, इतना आपको नोट करना है। अब देखते हैं यहाँ पर टाइम टू आंसर, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लिविंग थिंग्स नीड ओनली फूड टू लिव, लिविंग थिंग्स को केवल फूड चाहिए, नहीं फूड एंड वाटर दोनों चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गया। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ट्रू। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सम ऑफ देम, सम लिविंग थिंग्स ऑल्सो ले एग्स, कुछ अंडे भी देते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो चलिए ये फर्स्ट वीडियो, आज का चैप्टर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग्स, और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट।